Today we are going to discuss intersecting of two lines. In your earlier classes, we have already discussed the intersecting of two lines, two parallel lines and two coincidence line in your third class, and all the equations are in two dimension. But here we discuss the intersecting of two lines in the three dimension. Suppose that we have the two line, the one is r vector equals to a vector plus lambda b vector, and the another line is r vector equals to a dash vector plus mu b dash vector. So the first is intersection of two lines. तो हमारे mind में जो first question आता है कि इस case में कि हमारा जो topic है, ये जो topic है आपका intersection of two lines और इसके जो problems हैं, वो problem हमारे पास इससे related हैं कि अगर हमारे पास two lines हैं तो हमें find करना है कि the two line are intersecting या not. It means the three basic question in your mind is, the first is the line is intersecting or not. If the line is intersecting, then case kya hoga hamare paas, then what is the case we discussed. Now if the line is not intersecting, then हम क्या केस हम डिस्कस करेंगे, वो मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या होगी जिसको यूज करके हम ये डिसाइड करेंगे कि लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग. एंड द थर्ड केस इज फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो ये जो डिस्कशन है हमारा, जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है, बेसिकली हम वेक्टर फॉर्म के लिए भी डिस्कस करेंगे और ये हम कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं. और इससे रिलेटेड हम सबसे पहले आपको मैं मेथोडोलॉजी दूंगा और आफ्टर मेथोडोलॉजी वी डिस्कस द प्रॉब्लम, द सेपरेट प्रॉब्लम. तो फर्स्ट वी कंसीडर द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इन द वेक्टर फॉर्म. और इसी केस में अगर अपन देखें तो हम यहाँ पे मेथोडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं. हम मेथड डिस्कस करेंगे कि वो मेथड क्या होगा हमारे पास. तो आप मेथड डिस्कस करने वाले हैं. मेथड सर, मेथड क्या होगा, इफ द टू लाइन आर इन वेक्टर फॉर्म, ये केस हमें गिवन है जो आपके सामने है, और उस केस में हमारे पास मेथड क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने का. तो बेसिकली थ्री क्वेश्चंस आर इन योर माइंड. द फर्स्ट इज लाइन आर इंटरसेक्टिंग, देन केस क्या होगा. इफ द लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग, देन केस क्या होगा. इफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो उसी केस में अगर अपन देखें तो फर्स्ट हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि आर वेक्टर और आर वेक्टर है. तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि बोथ दो जो लाइन है उनको इक्वल पुट करने वाले हैं एंड कंपेयरिंग द कोफिशियंट. सबसे पहले हम ये करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशियंट. तो सबसे पहले हम दोनों लाइनों को इक्वल पुट करेंगे और उनको कंपेयर, उनके कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे. और यहाँ से हम देखेंगे कि सेकेंड मेथड में हमारे पास बेसिकली थ्री इक्वेशंस जनरेट होंगी. बेसिकली थ्री इक्वेशन हमारे पास जनरेट होंगी. यहाँ पे थ्री इक्वेशंस हमारे पास जनरेट होंगी. थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड मेथड में विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशन, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास थ्री इक्वेशन है, हम एनी टू इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करना है हमें लेमडा और म्यू जो हमारे पास है उसको हमें फाइंड करना है. एनी टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइंड करना है लेमडा एंड म्यू. फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे इफ द लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाइड द थर्ड इक्वेशन. If lambda and mu satisfied the third equation, then L1, L2 intersect to each other. तो उस केस में हम देखेंगे कि L1 and L2 intersect each other. तो ये हमारे पास फर्स्ट केस होगा कि अगर हमने देखा कि लेमडा और म्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर. और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो लेमडा एंड म्यू नॉट सेटिस्फाइड द थर्ड इक्वेशन, तब आपके पास जो सेकंड आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सेकंड आपके माइंड में क्वेश्चन था कि द टू लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो उस केस में ये हमारे पास केस होगा. एंड द सिक्स केस फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो वो लेमडा और म्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, अगर लेमडा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट किया या म्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे आप अगर पुट करते हैं, तो जो वेक्टर होगा वो पोजिशन वेक्टर ऑफ
इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही हमारे पास उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देन हम क्या करेंगे, लैम्डा एंड म्यू पुट इन एनी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट या सेकेंड में किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, देन वी गेन द पोजिशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक मेथडोलॉजी है कि इन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस की जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन द वेक्टर फॉर्म आप देख सकते हैं सर r वेक्टर और r वेक्टर, तो दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर के बाद इनके कोफिशियंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली वी गेट द थ्री इक्वेशंस। तो जो थ्री इक्वेशंस हमें मिलने वाली है उनमें एनी टू इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करेंगे। इफ़ द लैम्डा एंड म्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड, इट मीन्स द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। एंड इन द अदर केस, इफ लैम्डा एंड म्यू नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड, देन यू कैन सी कि द टू लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो वो हमारे पास सेकेंड केस होगा। एंड इन द सेम केस वी फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उस केस में आप लैम्डा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं या फिर म्यू की इक्वेशन आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, या दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और उसके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशियंट्स को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस पॉइंट, और वही बेसिकली हमारे पास उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो सिंपली इसी को ही मैं अभी कंपेयर करवा देता हूँ। तो अगेन हम जो मेथड है उसको हम यहाँ पे एक बार सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो मेथड क्या है। आफ्टर दैट वी कंसिडर ए प्रॉब्लम। तो फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें दोनों को कंपेयर इक्वल पुट करना है। तो आपने क्या किया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल्स टू ए डेस वेक्टर प्लस म्यू बी डेस वेक्टर। तो सिंपली अगर आप देखें तो ए वेक्टर जो है, सपोज दैट ए वन आई कैफ, ए टू जे कैफ, ए थ्री के कैफ प्लस लैम्डा बी वन आई कैफ, बी टू जे कैफ, बी थ्री के कैफ। ए डेस जो है आपके पास, अगर वो देखें तो वो जाएगा ए वन डेस आई कैफ, ए टू डेस जे कैफ, ए थ्री डेस के कैफ प्लस सेकेंड जो है बी म्यू के साथ है आपके पास म्यू बी वन डेस आई कैफ, बी टू डेस जे कैफ, बी थ्री डेस के कैफ। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को आपने कंपेयर किया। तो फर्स्ट जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी हम इसी तरीके से जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होंगी फर्स्ट हम दोनों को कंपेयर मैंने इक्वल पुट करेंगे और इक्वल पुट करने के बाद इनके कोफिशियंट्स को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई कैप तो सिंपली इनको हम साथ में लेने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इन इस LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा आई कैफ ए वन प्लस लैम्डा बी वन, जे कैफ ए टू प्लस लैम्डा बी टू प्लस के कैफ ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री। सिंपली यहाँ से अगर देखें तो आई कैप जो कॉमन है तो ए वन डेस प्लस म्यू बी वन डेस प्लस जे कैप अगर कॉमन लेंगे तो ए टू डेस प्लस म्यू बी टू डेस एंड के कैप अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा ए थ्री डेस प्लस म्यू बी थ्री डेस। ये हमारे पास इक्वेशन है सेकंड, मैंने आपको क्या बताया इसी में। अब हमें इनको कंपेयर करना है, आई कैप जे कैप और के कैप को हमें कंपेयर करना है। तो देखो सिंपल अगर एक चीज़ हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी, द पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो उस केस में आपने क्या किया था कि वो बी वेक्टर आपके पास था जिसके पैरेलल ये लाइन जो पॉइंट ए से पास होती है, उस केस में आपने एक स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया था जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई या पोजिशन वेक्टर ओ से ओरिजिन से आपने आर वेक्टर कंसिडर किया था। अगर सिंपली अगर लैम्डा यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, लैम्डा आपके पास ये डिसाइड करता है कि उस लाइन पे जो ऑर्डिनरी पॉइंट आपने लिया है उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर लैम्डा की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो जो ये स्टेशनरी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट की जो आप देख सकते हैं जो है कि वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, वो कंसिडर लैम्डा करता है। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आर वेक्टर में जो हमें कंप्लीट एक वेक्टर मिलता है वो वेक्टर आपका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है।
अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो देन आप ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखा आपने कि लेमडा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो लेमडा की वैल्यू पुट करने से, जैसे लेमडा की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली आपके पास एक वेक्टर होगा और जो वेक्टर है वो इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है जो हमने स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर किया था, जिसका हमने लोकस फाइंड किया था। तो सिंपली आपने अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो देन ईजिली आप क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस फर्स्ट हमें क्या करना है, कंपेयर आई कैप एंड आई कैप, जे कैप के कैप के कैप, एंड बेसिकली वी गेट 3 इक्वेशंस। तो देखिए वो मैजिकली वो 3 इक्वेशंस क्या होंगी, तो ए वन प्लस लेमडा बी वन, वहाँ से होगा हमारे पास ए वन डैश प्लस म्यू बी वन डैश। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ए टू प्लस लेमडा बी टू, और सेकेंड वहाँ से होगा ए टू डैश प्लस म्यू बी टू डैश। थर्ड इक्वेशन है ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री, और थर्ड इक्वेशन वहाँ से हमारे पास ए थ्री डैश प्लस म्यू बी थ्री डैश। सिंपली मैंने आपको मेथड में क्या बताया था, मेथड में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली वी हैव थ्री इक्वेशन, वी हैव थ्री इक्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ एनी टू वी फाइंड लेमडा एंड म्यू। आप देखेंगे किन्हीं भी इन्हीं 2 इक्वेशन से हम लेमडा एंड म्यू फाइंड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में था कि लेमडा एंड म्यू वी पुट इन थर्ड, लेमडा एंड म्यू वी पुट इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड में अगर यहाँ पे हम लेमडा और म्यू पुट करते हैं एंड द लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड, इट मीन्स लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो उस केस में हमारी जो लाइन है वो एक दूसरे इंटरसेक्टिंग ईच अदर है। अगर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो अब आप कहेंगे कि द टू लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है उस केस में, तो आप लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो सिंपली आपको एक वेक्टर मिलेगा आपको, एंड दिस वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड हमें अब एक प्रॉब्लम डिस्कस कर। नाउ वी कंसिडर ए प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, शो दैट द लाइन दिस वन एंड लाइन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस केस में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपली अगर हम सॉल्यूशन देखें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इट मीन्स दे हैव ए कॉमन पॉइंट। इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इट मीन्स दे हैव ए कॉमन पॉइंट, एंड कॉमन पॉइंट इस केस में देखें तो आर वेक्टर है। या फिर अगर आप अपने मेथड से अगर हम डिस्कस करें तो मेथड जो हमारे पास क्या था, फर्स्ट वी पुट द टू इक्वेशंस एज इक्वल, हमें दोनों को पुट करना है। तो उस केस में अगर देखें तो फर्स्ट हमें दोनों क्वेश्चन को इक्वल पुट करना है, बिकॉज द आर वेक्टर इज द कॉमन पॉइंट। इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इट मीन्स आर वेक्टर एज ए कॉमन पॉइंट। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो दोनों लाइन को हम क्या करने वाले हैं, दोनों लाइन को हम यहाँ पे इक्वल पुट करने वाले हैं। तो इक्वल अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा, 3i कैप माइनस j कैप इक्वल्स टू 4i कैप माइनस k कैप म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। तो सिंपली हमारे पास सेकेंड मेथड क्या होगा कि हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो कंपेयर अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए i कैप और i कैप एज ए कॉमन है, तो i कैप कॉमन लेंगे आप तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 3 लेमडा, j कैप जो है आपके पास, जे कैप भी कॉमन है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1 माइनस लेमडा एंड माइनस के कैप। सिंपली अगर यहाँ से देखें तो 4i कैप और इसको अगर कंपेयर करें तो i कैप जो है, कंपेयर नहीं, हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो i कैप हमने कॉमन लिया तो 4 प्लस 2 म्यू। इसके बाद हमारे पास देखिए j का जो कोफिशियंट है, j नहीं है तो 0 j कैप होगा हमारे पास, और k कैप अगर देखें तो यहाँ से अगर मैं k कैप कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 3 म्यू माइनस 1। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर आप कर सकते हैं कि पहला है 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है आपके पास जे कैफ, जो आपके पास 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। और थर्ड जो इक्वेशन है आपके पास 3 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, थर्ड इक्वेशन है 3 म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू, आपके पास जो इक्वेशन है वो है माइनस 1, तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बेसिक अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, तो
विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशन वी फाइंड द लैम्डा एंड म्यू। तो सिंपली अगर हम देखें तो आप क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइंड लेमडा एंड म्यू। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि लेमडा और म्यू जो है हमारे पास वही वेरिएबल है, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है हमने पास। तो 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 इट मीन्स लेमडा इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट केस था लेमडा की वैल्यू हमने कंसिडर की, वो लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 ये बन जाएगा 4 प्लस 2 म्यू। तो 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू, 4 से 4 कट होता है तो म्यू इक्वल्स टू हमारे पास आता है 0। लेमडा की वैल्यू है हमारे पास 1 और म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0। तो सिंपली अगर हम देखें तो अब हमारे पास केस क्या था, अब केस था कि वी पुट द लेमडा एंड म्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, आपके पास देख सकते हैं। तो 3 म्यू, म्यू की वैल्यू है आपके पास 0 और माइनस 1 और वो है माइनस 1। तो ये आपका कंप्लीट 0 है, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड। इट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, इट मीन्स द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, टू लाइन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। अब आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि सर फाइंड, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली लेमडा और म्यू की कोई भी एक वैल्यू, चाहे लेमडा की वैल्यू आप पुट करें चाहे म्यू की वैल्यू पुट करें, आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन है हमारे पास आर वेक्टर, आर वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वो है 1 और वो बन जाएगा 3i कैप माइनस j कैप। r वेक्टर जो है आपके पास i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस 3i कैप माइनस j कैप। तो r वेक्टर जो बन जाएगा 3i 4i कैप, j से j कट जाएगा तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 0j कैप और माइनस k कैप। तो ये हमारे पास उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। सिंपली आप यहाँ से समझेंगे R वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देन 4, 0 and -1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर एंड नाउ दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो 4, 0, -1 हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। Now we discuss the second case, and the second case is Cartesian form of line. अगर हमें दो equations Cartesian form में given हों तो उस case में उनका intersection case क्या होगा। तो simply अगर हम देखें तो simply we consider the two line in the Cartesian form. The one is x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 and z minus z1 upon c1, and the second line is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2. ये हमारे पास second line है। If the two line are intersecting, it means we have a common point. तो इस केस में अगर देखें तो x y एंड z एंड x y एंड z और x y z हमारे पास वो स्टेशनरी पॉइंट है या वो मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस हम फाइंड करते हैं, तो वो पॉइंट इन दोनों लाइन में कॉमन होगा। और उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने सिंपली कंसिडर किया यहाँ पे एक वेरिएबल r1 और इसके इक्वल हमने r2 कंसिडर कर लिया। अब सिंपल हमारे पास वही मेथड है अगेन, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द x y एंड z इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड इन द सेम वी फाइंड द x y एंड z इन द इक्वेशन सेकेंड। Now we have the x, y, z in the both the line, so we compare to each other. तो हम compare करेंगे x coefficient, y coefficient, z coefficient. After comparing हम देख सकते हैं कि basically we have again three equations. तो with the help of first and second या any two equation we find the r1 and r2. और अगर r1 r2 मैंने find कर लिया then we put the r1 r2 in equation third. If r1 and r2 satisfied the equation third then we can say कि the two line are intersecting to each other, otherwise they are not intersecting to each other. And the same case we find the put if we put the value of r1 in this equation then we get the intersecting point.
एंड द सेम वी फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू पुट द आर टू. तो सिमिलरली इसको अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट मैं आपको वही मेथड यहाँ पे डिस्कस करूँगा, देन अगेन वी कंसिडर ए प्रॉब्लम और इसके साथ हम इसको आगे देखने वाले हैं. तो फर्स्ट जो आपकी लाइन है उसमें आप देखेंगे जो आपके पास एक्स वाई और जेड में अगर पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक्स पॉइंट फाइंड करूँगा तो ये इसको मैं कंपेयर करूँगा आर वन के साथ. तो सिंपली एक मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, दे है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू है आर वन. तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू कंसिडर करता हूँ तो बन जाएगा ए वन आर वन प्लस एक्स वन. इसको मल्टीप्लाई किया ए वन आर वन और एक्स वन. सिंपल अगर वाई अगर देखें तो फर्स्ट लाइन से ये फर्स्ट लाइन में है हमारे पास, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी वन आर वन प्लस वाई वन. जेड हो जाएगा हमारे पास सी वन आर वन प्लस जेड वन. ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है. सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें सेकेंड लाइन, तो सेकेंड जो लाइन है आपके पास, यहाँ से हम सेकेंड लाइन डिस्कस कर लेंगे. तो सेकेंड लाइन है आपके पास, उसमें भी अगर सेम कंसिडर करें तो ए टू आर टू. तो यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए टू आर टू प्लस एक्स टू. वाई जो है वो है बी टू आर टू प्लस वाई टू. और जेड जो है आपके पास सी टू आर टू प्लस जेड टू. ये हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट लाइन के एक्स वाई जेड है, सेकेंड लाइन के एक्स वाई जेड है. इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग इट मीन्स एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास कॉमन पॉइंट है. देन हम इनको कंपेयर करते हैं तो बेसिकली वी गेट द थ्री इक्वेशंस ए वन आर वन प्लस एक्स वन ए टू आर टू प्लस एक्स टू. सेकेंड है आपके पास बी वन आर वन प्लस वाई वन बी टू आर टू प्लस वाई टू. थर्ड इक्वेशन है सी वन आर वन प्लस जेड वन और सी टू आर टू प्लस जेड टू. ये हम अगेन देख सकते हैं आपके पास थ्री इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री. विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सेकेंड वी फाइंड द आर वन एंड आर टू. आर वन और आर टू अगर हम थर्ड में पुट करें और अगर वो उसको सेटिस्फाइड करता है तो आप बोल सकते हैं कि सर द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर. अगर वो नहीं करता है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो आप कह सकते हैं कि सर वो सेटिस्फाइड नहीं करता, इट मीन्स द टू लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग. एंड द सेम अगर मैं आर वन की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे को एक्स वाई जेड वो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा. वो सेम अगर मैं आर टू यहाँ पे पुट करता हूँ तो अगेन इसमें किस केस में भी मुझे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है. तो बेसिकली हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और सेम जो हमने यहाँ पे थ्योरी डिस्कस की है उसको हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे. नाउ वी डिस्कस द प्रॉब्लम सेकेंड. तो प्रॉब्लम जो सेकेंड है वो आपके पास हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन से रिलेटेड है. द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग वो हमें केस चेक करना है और वो केस क्या है, वो केस है कि इफ द टू लाइन आर इन द कार्टेशियन फॉर्म. तो अगर उस केस में देखें तो शो दैट द लाइन, ये लाइन जो है एंड द सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग या नॉट. इफ इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो उस केस के लिए आप क्या करने वाले हैं, सिंपली आपको पता है कि सबसे पहले हमें इस इक्वेशन जो इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग द इट मीन्स दे हैव ए कॉमन पॉइंट और उस कॉमन पॉइंट को कंपेयर करके बेसिकली वी फाइंड द थ्री इक्वेशंस. वी सोल्व द एनी टू इक्वेशंस एंड फाइंड द आर वन एंड आर टू एंड पुट द आर वन आर टू इन इक्वेशन थर्ड. इफ दे सेटिस्फाइड देन द टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग, अगर इफ नॉट देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड द सेटिस्फाइड देन वी फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो सिमिलरली यही हमारे पास एक मेथड है जिसको हम अगेन सॉल्व करने वाले हैं. तो सिंपली अगर आप देखें तो आप कंपेयर करने वाले हैं x माइनस फोर अपॉन वन y प्लस थ्री अपॉन माइनस फोर जेड प्लस वन अपॉन सेवन इक्वल्स टू आर वन. सेकेंड जो लाइन है आपके पास वो है x माइनस वन अपॉन टू y प्लस वन अपॉन माइनस थ्री जेड प्लस टेन अपॉन एट. तो सिंपल अगर अपन यहाँ से देखें तो यहाँ से हम x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर x y z की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो x देखिए आपके पास क्या होगा, x जो है आपके पास वो होगा वन आर वन प्लस फोर, तो आर वन प्लस फोर. वाई जो है आपके पास वो है माइनस फोर आर वन और माइनस थ्री. जेड है आपके पास सेवन आर वन माइनस वन. ये हमारे पास जेड है. सेकेंड केस जो होगा हमारे पास वो होगा आपके पास सिंपली अगर इसको भी हम आर टू कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स जो होगा आपके पास वो होगा टू आर टू प्लस वन. वाई जो है माइनस थ्री आर टू माइनस वन और जेड जो है आपके पास वो है एट आर टू माइनस टेन.
तो ये हमारे पास सिंपल है, एक बार मैं अगेन चेक कर लेता हूँ यहाँ से, ये बन जाएगा 2R2+1, सेकेंड है -3R2-1 एंड 8R2+10-10। ना एक्स वाई जेड आर कॉमन पॉइंट, देन हम इनको कंपेयर करेंगे। बेसिकली यहाँ से थ्री इक्वेशन हमें फॉर्म हो रही हैं, तो अगर इनको कंपेयर करें तो एक्स और एक्स को आप कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास R1+4=2R2+1। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड है आपके पास -4R1-3=-3R2-1, ये इक्वेशन सेकेंड है आपके पास। थर्ड है आपके पास 7R1-1=8R2-10, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमें सोल्व करना है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करके हमें जो R1 R2 मिलेगा उसको थर्ड में हमें पुट करना है। वो सिंपली वैसे चेक करना है, वो मेथड हम बार बार रिपीट कर चुके हैं ना, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करें तो इक्वेशन बन जाएगी R1-2R2, और 1-4 इधर प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1-4। तो इक्वेशन बन गई आपकी R1-2R2 और -3, ये इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास। सिंपली यहाँ पे अगर इक्वेशन फॉर्म करें तो ये बन जाएगा -4R1, इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा +3R2, और इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाएगा -1+3। तो इक्वेशन फॉर्म होती है आपके पास -4R1+3R2=2, ये इक्वेशन नंबर 5। अब बोथ इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर आप इक्वेशन जो आपकी 4 है उसको अगर आप अगर हम कोफिशियंट्स को इक्वल करने वाले हैं हम यहाँ से, तो सिंपली अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके कोफिशियंट्स इक्वल होने वाले हैं। तो इक्वेशन जो 4 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4R1-8R2=-12। सेकेंड जो इक्वेशन है आपके पास वो सेम है, -4R1+3R2=2। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करना है तो ये आपका कट हो जाएगा यहाँ से, -8R2+3R2 तो बन जाएगा -5R2 और -10 कट हो जाएगा, R2=2 आ गया आपके पास 2। R2 आपने 2 फाइंड किया, और वो R2 की वैल्यू जो है आपके पास वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं फोर्थ में, तो इक्वेशन 4 से अगर अपन चेक करें तो R1-2×2=-3, तो R1-4=-3, R1=-3+4, और R1 जो है आपके पास है 1। सिंपली यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो R1 और R2 है वो आपके पास 1 एंड 2 है। तो यहाँ से हम बेसिक डिस्कस करें तो R1 हमारे पास 1 है और R2 हमारे पास 2 है, और इनकी हेल्प से अब हम इसको वापस इरेज कर लेते हैं और हम चेक करेंगे क्या R1 एंड R2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन थर्ड से, तो इक्वेशन थर्ड में अगर हम R1 R2 की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन थर्ड जो है आपके पास वो क्या शो कर रही है आपको देखिए, वो बन जाएगा 7R1 यानी 1-1 8R2 2-10। बेसिकली 7-1 16-10 6 एंड 6। आप देख सकते हैं LHS=RHS, इट मीन्स R1 R2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन थर्ड, इट मीन्स द टू कार्टिशियन फॉर्म ऑफ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो सिंपल द फर्स्ट जो होगा हमारे पास, द लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। अब हमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल है। आप R1 और R2 की वैल्यू, या तो आप एक काम करिए यहाँ पे R1 पुट कर दीजिए, इस केस में जैसे X है X Y एंड Z, तो या तो यहाँ पे आप R1 पुट कर दीजिए या सेकेंड में आप R2 पुट कर दीजिए, दोनों केस में आपको सेम इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और मैं आप चाहता हूँ कि मैं दोनों पॉइंट आपको शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हम R1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, सपोज ये A इक्वेशन है जिसको हमने कम नहीं किया, ये हमारे पास B इक्वेशन है। तो इक्वेशन A को हम अगर देखते हैं तो X जो है आपके पास R1+4, तो 1+4, Y जो है -4×1-3, Z जो है 7×1-1, X=आपके पास 5 है, Y जो है वो -7 है, और Z जो है आपके पास 6 है। तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो 5, -7 और 6 है आपके पास।
सिंपल, अगर इक्वेशन बी को अगर हम कंसिडर करें तो बी जो है आपके पास ये है, यहाँ से अगर मार्क्स चेक करते हैं तो टू की विल टू पुट करेंगे तो टू 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 प्लस वन, वाई जो है माइनस थ्री इंटू आर टू, वो भी आपके पास टू है माइनस वन, और जेड जो है एट इंटू आर टू, वो टू है और माइनस टेन, तो एक्स जो है वो फोर प्लस वन, वाई जो है माइनस सिक्स माइनस वन, जेड जो है सिक्सटीन माइनस टेन, तो एक्स आप देख सकते हैं अगेन है फाइव, वाई है माइनस सेवन और जेड है आपके पास सिक्स, तो इस केस में भी आपके पास जो पॉइंट है वो फाइव माइनस सेवन और सिक्स है। तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस किया और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि ये दोनों जो प्रॉब्लम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं और इनकी प्रैक्टिस करके हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।